यारों जी भर के जील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी। एंड गिव्स हैप्पी बर्थडे माय, गो टेल टेल टू माय दे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, वेरी नाइस किसी माय किसी गिव बर्थडे किस, बर्थडे किस गिव, बर्थडे किस ओके गिव बर्थडे किस किस। ये देखो आपको होगा तो अभी पहन लो, अभी पहन लो, मतलब अभी केक काटोगे ना तो मैं तो पहन लो, मैं नहीं पहनूं। आराम से आ जाएगा। वाह, आ गए बर्थडे गर्ल, फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज। चलो भाई पति दे, एक बारह बजने वाले। आपने ये बदमाशी क्यों की है, ये के बड़ा क्यों किया? कितना अच्छा लग रहा है देखो। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। इतनी बेस्ट चीज होती है, थाओ थाओ, ये सब पति बोल सकते हैं बस। फरेज रोशन, मैं बता रहा हूँ, मैं तो दो तीन मेरे रात का जुगाड़ हो जाता है फरेज रोशन। मैं अपने तभी तो मैं बर्थडे में बास्केट भर के चॉकलेट देती हूँ। चलो नाउ नाउ किस, अच्छा है कि हग डे हिंदी में नहीं है। नहीं तो पता नहीं, डॉगी डे हो जाता। नहीं तो पता नहीं भाई, क्या कर रहे हो? किस डे के बाद हग डे, क्या बात कर रहे हो? आगे चलो, माय गॉड, अब केक कौन खाएगा? देखो केक, देखो इसने तो केक की पूरी मावन कर दी है। केक कौन खाएगा? ये बता रहा हूँ, ये इसकी साजिश थी, केक नहीं देने की हमें। इसने मेरे को पहले से बता दिया था कि जैसे वो केक खाने जा रही होगी तो मैं इसे फोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, चलो खिलाओ, अभी वही वाला खिलाओ, पॉपर्स वाला। चिपका दो ऐसे सारे। क्यों खा जा रहे हो? हैप्पी बर्थडे दोनों के। चांची की बार करते, चांची की बार करते, चांची की ले। इसमें दो तीन पॉपर्स लगे हुए हैं, चलेगा इट्स ओके, चलेगा। तांची का प्यार से दिया हुआ सब चलेगा।
हैप्पी बर्थडे। चलो अरे हाँ तो करो बड़ा वाला। अब वो असली बर्थडे मेरी पैक लग गया मेरे मुंह में लग गया जो मेरी हाँ तो ना सब ठीक हो जाएगा। होली मनाओ होली मनाओ बुरा ना मानो बर्थडे और बर्थडे बम जाम है जाम बर्थडे बम बर्थडे बम मैं पकड़ूंगी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा बता रहा हूँ। इफेक्ट देखिए ये इतना बड़ा लेके आए सबके पैर में पूरा चिपक गया। कोई एक सीख पार्टी पॉपर्स मत लाना अगर आप घर पे पार्टी कर रहे हो तो। पार्टी पॉपर्स लाना वो रोज पेटल्स वाला। दो चीज बड़ा लेके आए एक तो निक्की का के और दूसरा ये वो भी नहीं टिक रहा और इसने भी इसमें अच्छा साफ हो रहा है। देखो बर्थडे को देखो दूल्हा बोल भी रहा था कि मुझे सब चीज बड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ भी बड़ी वाली है। बर्थडे की शुरुआत हुई जीत के हाथों की बनी स्पेशल मैगी से। स्पेशल मैगी थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया मैगी बनाने के चक्कर में। देखो आपकी बर्थडे की शुरुआत मैगी से हुई है कल देखना फिर क्या क्या होगा लंच कहाँ डिनर कहाँ देखना फिर। मैगी से स्टार्ट हुई और वैसे भी रात के 1 बजे और क्या कहोगे मैगी के अलावा मैगी याद आती है। चलो स्टार्ट करो। चलो रेडी हो गए बर्थडे गर्ल ठीक है बर्थडे तुम लंच के लिए लंच डेट एट बुर्ज अल अरब। बाप रे फर्स्ट बर्थडे देखो दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल में लग्जरियस लाइफ बुर्ज अल अरब में बनी हुई अभी भूल गया ला पूरा एक्सपेक्टेशन से बाहर ऊपर निकल गए क्या बर्थडे एक्सपेक्टेशन से। हम सबका जाने का प्रोग्राम था एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया किसी रीजन के वजह से तो बस जबी बर्थडे गर्ल एंड उनके पतिदेव अच्छे अच्छे क्लिप्स लाना मेरे व्यूअर्स के लिए ठीक है। चलो ठीक है ओके एंजॉय बाय। सो गाइज यहाँ पे आज मीठे में मैं बनाऊंगी खीरा तो उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध का छेना बना रही हूँ वहाँ पे विनेगर डाल के उसमें छेना बना लूंगी एंड यहाँ पे 1.5 लीटर मिल्क मैंने लिया है। दूध जैसे ही गर्म होगा इसमें मैंने केसर एंड इलायची का पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। दूध में अच्छे से बॉयल आने के बाद जो हमने छेना बना के रखा था फ्रेशली या पनीर तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे करीब 10 से 15 मिनट तक। देन ये अच्छे से बॉयल होने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी मीठा तो मीठे में आप चीनी ऐड कर सकते हो बट मैं हमेशा कंडेंस मिल्क ऐड करती हूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी कंडेंस मिल्क ऐड कीजिएगा उसे बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है एंड बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है उसका। देन अच्छे से उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मोस्टली इसको हम लोग इसी टाइम पे मतलब बिल्कुल धीमी आंच में कुक कर करके दूध को बिल्कुल गाढ़ा बनाते हैं बट आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था एंड दूध भी कम था इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस स्लरी को मैं दूध में ऐड कर दूँ ताकि दूध जो है बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा एंड उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है बट अगर आप चाहते हो तो दूध को बिल्कुल
धीमी आंच में ऐसे कुक कर करके उसको गाढ़ा करना है। तो करीब 10 से 15 मिनट में ही दूध गाढ़ा हो गया देखिए, एंड क्वांटिटी भी कम नहीं हुई। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी पिस्ता, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो बस ये अभी बन के रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गाइस भाई भाभी चले गए अपना बर्थडे स्पेशल लंच डेट पे पूजा लड़क पे। एक्चुअली हम सबका ही प्लान था कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे, हमारा बुकिंग भी हो रखा था, 10 बजे का हमारा बुकिंग मिला था हमें। तो कल जब हमने कंफर्मेशन के लिए फ़ोन किया ना, तो उन्होंने बोला कि कुछ रेनोवेशन चल रहा है, रेस्टोरेंट्स वगैरह ज़्यादा कुछ ओपन नहीं है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से 10 बजे हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, हाई टी का ऑप्शन मिलेगा। एंड वहाँ पे मिनिमम आपको बुकिंग के बाद, मतलब आपको 200 दिरहम पर हेड आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। जैसे हम लोग 5 बंदे जा रहे हैं, मतलब 1000 दिरहम का हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मतलब खाने पीने का। तो बस हाई टी का ऑप्शन मिला हमें 10 बजे। तो हाई टी में बस चाय कॉफ़ी एंड कुछ शायद ऐसे पेस्ट्री डेजर्ट वगैरह ऐसे मिलेंगे। तो 1000 दिरहम का हम लोग चाय कॉफ़ी क्या पियेंगे, फालतू में पैसा बर्बाद। तो इसीलिए हमने सोचा कि तो हम लोग नहीं जाते हैं। एंड लंच एंड डिनर में बच्चे अलाउ नहीं होते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा में मेरे बर्थडे पे भी हम लोग ब्रेकफास्ट ही गए थे, क्योंकि वहाँ सब ऐसे बड़े बड़े जगह पे 12 साल के नीचे तक के बच्चे अलाउ नहीं होते लंच एंड डिनर में। थोड़े से सफिस्टिकेटेड गेस्ट आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा ऐसे मतलब डिस्टर्ब करेंगे इस वजह से। तो इसीलिए लंच एंड डिनर जो है वो भी कैंसिल हो गया। तो मैं चलो हम नहीं जा पाएंगे, तो आप लोग तो कम से कम जा के आओ, क्योंकि हम लोग तो पहले भी गए हैं, तो फिर कभी चल लेंगे देख के बाद में। तो वो इसीलिए वो लोग चले गए हैं। तो भाई को मैंने बोला है आप लोगों के लिए अगर कुछ ऐड क्लिप्स बोलेगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, वरना हम लोग फिर कभी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल है एंड अंदर बहुत खूबसूरत है। हम लोग हनी बनी के 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट के लिए वहाँ पे गए थे, जब वो छोटे से थे तब गए थे, उस टाइम पे अलाउ था, लेकिन हम लोग डिनर पे ही गए थे, उस टाइम पे अलाउ था, अभी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। एनीवे जो भी हो, तो वो लोग वहाँ पे लंच करके आएंगे, तो इवनिंग हम लोग कहीं और चलेंगे सनसेट देखने के लिए। एंड रात में बस हम लोग सिंपल सा घर में घर का ही खाएंगे, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है, तो कल का कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, तो इसलिए आज और बाहर वहाँ नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं खीरा बना रही हूँ भाभी के बर्थडे के लिए, मीठा तो कुछ बनता है ना, तो वो आएंगे तो प्रसाद लगा देंगे। एंड मेरा स्पेशल, मैं जिस मेरा सिग्नेचर डिश चिकन पकौड़ा, वो अभी मैरिनेट करूँगी, तो रात को बस घूम फिर के आएंगे, तो बस वो फ्राई करेंगे, चिकन पकौड़ा पार्टी करेंगे हम लोग रात को। तो चलिए गाइस मिलते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Srishti, happy birthday to you. तो गाइस यहाँ पे चिकन पकोड़ा के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, बस थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पे चिकन लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ नींबू, बेसिकली जितना किलो आपने चिकन लिया है उतने आपको नींबू का जूस लेना है। देन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सब कुछ क्वांटिटी के हिसाब से। देन ये है धनिया, पुदीना एंड हरी मिर्च की चटनी है, अगर ये आपके पास नहीं है देन नींबू का जूस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। दही ले रही हूँ करीब 3 बड़े चम्मच एंड यहाँ पे एग ऐड कर रही हूँ, जितना किलो आपने चिकन लिया है उतना आप लोग एग ऐड कीजिएगा। देन इसमें ऐड करें नमक, हल्दी, देन लाल मिर्च का पाउडर,
धनिया पाउडर एंड कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड करूँ ताकि कलर अच्छा से आएगा। एंड इसमें ऐड करूँ थोड़ा सा मीट मसाला, बस इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर ताकि बाइंडिंग अच्छे से बने। सो गाइस यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल के मैरिनेट कर दे। अब इसको डाल दूंगी फ्रिज के अंदर जब तक ये फ्राई नहीं होता है, 2-3-4 घंटे जब तक फ्राई नहीं होता है। बट इतना सारा लेके आए हैं, मैंने बोला पूरा गांव खाएगा। इतना सारा कुछ नहीं है, बहुत देर से बोल रही है इतना सारा वो लोग मंडे वंडे को खाते हैं, बना देना। ऐसा कहाँ मिलेगा उनको बार बार? ऐसा नहीं मिलेगा इंडिया में, उड़ीसा में नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन अर्चनास किचन जैसा कहाँ मिलेगा भैया, इतना जबरदस्त बनाते तभी तो मैं क्वांटिटी। एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर फत्तू समीर। मिस्टर समीर थैंक यू फॉर दिस रेसिपी। हवा का झोंका समीर, तो उसने उससे काफी इंस्पायर्ड है ये, है ना। लेकिन आप सब ये छोड़े, आप ये बताएं कैसे हैं आप लोगों के निवास, कैसे हैं आप? हनी मिलते। तो आप प्लीज बताएं कैसे हैं आप, यहाँ नीचे कमेंट करके मैं जरूर पढ़ता हूँ। थोड़ा सा बिजी रह गई हूँ तो मैं कमेंट ज्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ, ये सारे पढ़ते हैं तब उनको रिप्लाई जरूर। मैं देखता हूँ, बड़ा मजा आता है कौन लोग कितने अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरे से भी पूछा जाता है बार बार, फिर मैं बताता हूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गैस तो बन रहा है मेरी स्पेशलिटी चिकन पकोड़ा, पता नहीं बट अच्छा बन जाता है मेरे से, तो मुझे ही बहुत पसंद आता है, मैं बार बार इसीलिए बनाती हूँ। हमें इतना पसंद है कि हम एटलीस्ट वीक में एक बार तो रगड़ ही देते हैं। अब शायद 15 दिन में एक बार रगड़ते हैं। अब वीक में एक बार, शुरुआत में पहले तो वीक में कई बार दो बार भी रगड़ते हैं। एक महीना हो गया ना, 5 बार भी आए हो तब से नहीं बना है। तो चलिए ये मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर थोड़ा नहा धो के खुलिया अपना ठीक करें, या मिलती हूँ आपको इवनिंग में। गाइस अभी हम लोग आए हैं दुबई क्रिक हार्बर, यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लगता है, पूरा डाउनटाउन का व्यू होता है। एंड आज इतना ज़्यादा क्लाउड है ना तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर डाउनटाउन लग रहा है। तो बस उसका थोड़ा सा व्यू लेंगे फिर घर चलेंगे, भाई भाभी को पिक कर लिया है तो ये वाली व्यू देख के। यारों जी भर के जील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझ कल बुलाएगा। जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। गाइस व्यू देखिए, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ बट क्या करूँ, दिल नहीं भरेगा ऐसा व्यू देख के। वहाँ पे क्रेसेंट चंदा मामा भी आ गए, मून बुर्ज खलीफा तो बादलों के बीच में छुपा हुआ है आज पूरा दिन, इतने ज़्यादा क्लाउड्स है कि बुर्ज खलीफा ऊपर एंड बादल नीचे। जो आज टॉप पे गया होगा उसको मस्त व्यू आ रहा होगा, नीचे खाली क्लाउडी क्लाउडी। आगे हैं घर वापस, सब लोग थके हारे हो गए, मतलब वो लोग तो सुबह से घूम रहे, हम लोग लेट गए हैं, फिर भी थोड़ी सी थकावट है बिकॉज एनीवे जो भी हो। तो भाभी पहले ये खीर जो बना है उसको प्रसाद लगा देंगे भगवान जी के पास, देन हम अपना जो चिकन पकौड़ा पार्टी है वो स्टार्ट करेंगे। जीत और भाई नीचे गए हैं कुछ हाथ लेने के लिए सलाद वगैरह के लिए, बस उसके बाद हम लोग अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, मतलब ऐसे नॉर्मल घर में जो पार्टी।
बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करे ओ वक्त है तो जीन दे दर्द है तो सीन दे ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करे खुल है जो पल कहे नजर लगता है अब है जागे हम फिक्र जो थी बिछड़ गई निकले उनसे आगे हम पुष्पक फिल्म कर रहे हैं बिना साउंड के सो गाइस कैसे हैं आप दिखा दिया मेरी मेहनत का भी दिखा दिया तो वेलकम टू अर्चनास किचन नाउ है ना आज बर्थडे मेरे किचन बर्थडे स्पेशल विद द चिकन पकोड़ास एंड सम मॉकटेल्स बाय मी आज हम बर्थडे गर्ल बेचारे घूम के थक गए हैं थक के सूख गए हैं अभी इनको एनर्जाइज करते हैं थोड़ी देर में कुछ गाने गाने लगाते हैं तो हम लोग अपना एंजॉय करते हैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में वैलेंटाइन डे वाले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय लॉट्स ऑफ लव बाय बाय सारे घूम घूम के एनर्जी लूज हो गए कल मिलते हैं बाय 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 यस यस टू बर्थडे गर्ल यस वेलकम टू 30s बोलिए बोलना जरूरी था